इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं जा रहा हूँ कोटली। तो मेरे समर वेकेशंस थी, इस वजह से मैं कोटली जा रहा हूँ। हम लोग समर वेकेशंस में कोटली और गांव जाते, तो आज मैं जा रहा हूँ कोटली। और आज मैं आपको ट्रैवलिंग की सारे अपनी वीडियो दिखाऊंगा कोटली तक ट्रैवल होने में। तो अभी मैं यहाँ पर गुलबर्ग के साइड पर एक जगह पर हूँ जिसका नाम है कृपा। और अभी मैं इस एक बड़ी सी ज्यारत पर हूँ जिसके अंदर एक पीर साहब की कब्र है किसी, और वो 9 गज लंबी कब्र है। मैं आपको वो कब्र दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये सारी इतनी लंबी कब्र है, 9 गज लंबी कब्र है। ये देखिए, सो गाइस अभी हम लोग गुलबर्ग से आगे जापान रोड पे हम लोग बस चढ़ने वाले हैं, और आगे कोटा आएगा, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे कोटली। तो इन इस पूरी जर्नी के दरमियान में काफ़ी सारी प्लेसेस और आएंगी, बहुत खूबसूरत भी होंगी प्लेसेस कुछ, तो मैं आपको पूरा उनका विज़िट करवाऊँगा। जी अभी जापान रोड पे हम लोग चढ़ चुके हैं, ये जापान रोड जा रही है ये आगे। ये सामने सियाल है और ये वाली रोड सीधा आज़ाद कश्मीर और ये राधा रोड चलती है। अभी हम लोग यहाँ पर ब्रिज पर चढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग बस ये निकल भी गए। ये पूरे छोटा सा एक ब्रिज बना हुआ है। अभी हम लोग कश्मीर और कोटा वाली रोड पे हम लोग अभी चढ़ चुके हैं। तो जो हम लोग कोटली जा रहे हैं, तो जो हमारे साथ जो भी है उनका नाम अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पापा हैं, ये मुकद्दम है, मुकद्दम। ये देखिए, ये हमारी मामा है, ये मुकर्रम है, और ये बहना है हमारी बहना। सो अभी हम लोग कोटली जा रहे हैं। हम कोटली जा रहे हैं और हमें बहुत मजा आ रहा है। रास्ते में जगह जगह आपको ऐसे स्टॉल्स मिलेंगे और आप रास्ते में रुक के रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं। ये सारा आर्मी एरिया है, देखिए पूरा आर्मी एरिया। यहाँ पर ये पूरी आर्मी एरिया की एंट्रेंस है। ये देखिए, यहाँ पर आगे कुर्बानी के लिए भी जानवर एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। अभी हम लोग कोटा में एंटर हो चुके हैं और अभी हम लोग सीधे बढ़ रहे हैं कोटली की तरफ। मुझे लोग ये कोटा सिटी पे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे प्लाजे, स्टॉल्स और दुकानें भी हैं। तो आगे मस्जिद भी हमें नज़र आ रही है, देखिए। और आगे उस पोस्टर पे लिखा हुआ है आई लव कोटा। अभी कोटा ख़त्म हो चुका है और अभी हम लोग राइट साइड पर कोटली वाली रोड पर चढ़ गए। ब्यूटीफुल लश ग्रीन एरिया एट द वे ऑफ द कोटली। सो गाइस जब हम लोग कोटा से निकलते हैं तो बहुत ही ग्रीन वैलीज से और खूबसूरत वैलीज से निकलते हैं। ये देखिए, कोटली जाने के रास्ते में एक काफ़ी बड़ा फेमस होटल आता है जिसका नाम हिल टॉप है, और यहाँ पर आप काफ़ी अच्छा खाना खा सकते हैं। हिल टॉप होटल जब जो ही क्रॉस करते हैं तो फिर ये प्लेन एरिया से हिली एरिया शुरू हो जाती है, और ये पहली पहाड़ है जहाँ पर हम लोग रुके हैं। मामा
ये देखिए यहाँ पर एक किटी भी है, छोटी सी बिल्ली भी है इस जंगल में छोटी सी। गाइस हमने बिल्ली को कुछ चिकन के पीसेस दिए और ये बड़े मजे से ये खा रही है। देखिए इसे आराम से खा रही है ये। बिल्ली का पाल ले, बड़ी क्यूट है बिल्ली। इसके लिए हर बार कुछ लेकर आएंगे हैं पालने। इस बिल्ली के लेके चले पक्का, लेके चलते हैं। प्यारी बिल्ली है वो, सुटकेस के अंदर लाए, गंदी हो गई है। तो ये नूरानी जुमा मस्जिद है, तो यहाँ पर आप रुक के नमाज भी पढ़ सकते हैं। तो हमारा असर का टाइम हो गया, तो हमने यहाँ पर बैठ के असर की नमाज पढ़ी है। So guys, हम लोग अभी 2 घंटे ट्रेवल करने के बाद एक जगह पहुँचे हैं जिसका नाम है होलार। तो इस जगह की 2 खास बातें, पहली है कि जो पाकिस्तान की बाउंड्री है, पाकिस्तान की लिमिट है, तो पाकिस्तान की लिमिट यहाँ पर ही एंड होती है, फिर आगे आज़ाद कश्मीर शुरू हो जाता है। और दूसरी बात, दूसरी खास बात ये है कि यहाँ पर एक हाइड्रल प्रोजेक्ट लगा हुआ है जो कि पूरे पाकिस्तान में बिजली देता है, जो कि अभी ये देखिए गाइस वो पूरा प्रोजेक्ट है। वहाँ पर जो पानी है, इस पानी का यूज़ होता है और इस पानी से बिजली बनती है, फिर वो पूरे पाकिस्तान में ये बिजली सप्लाई होती है। इस साइड से हम लोग आज़ाद कश्मीर में इंटर होंगे और ये प्रोजेक्ट के हम लोग दरमियान से जाएंगे और मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट विजिट करवाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना है। प्रोजेक्ट साइड पे इंटर हो चुके हैं, तो यहाँ की रोड बड़ी ज़बरदस्त है, तो बस आगे अभी एक ब्रिज भी आएगा। जा चुके हैं, तो यहाँ पर अभी पाकिस्तान एंड हो रहा है और आगे आज़ाद कश्मीर शुरू हो चुका है। अभी मैं ब्रिज पे रुक चुका हूँ और अभी मैं आपको ये हाइड्रल प्रोजेक्ट पास से दिखाऊंगा। ये पूरा हाइड्रल प्रोजेक्ट है, ये देखिए वहाँ पर चैनल्स हैं और यहाँ से पानी, जो पानी गिर रहा है इनकी वजह से अंदर से टर्बाइन आ रही है, तो उससे बिजली कन्वर्ट होती है, बिजली में कन्वर्ट होता है सारा पानी। ये देखिए कितना खूबसूरत भी लग रहा है ये पूरा व्यू। और ये देखिए यहाँ पर पाकिस्तान है और वो पूरा शुरू होता है आज़ाद कश्मीर।
कोटली पहुंच चुके हैं और हम लोग अभी इस्लामाबाद से 3:30 बजे निकले थे, तो अभी हम लोग कोटली पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट कोटली पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे भी दो खास बात है। पहली है खास बात कि यहाँ के जो लोग होते हैं, पूरी कोटली के लोग होते हैं, ये सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स ही होते हैं। कोई इंग्लैंड का होता है, कोई अमेरिका से आया होता है, कोई UAE से आया होता है, यहाँ पर काफ़ी सारे फॉरेनर्स होते हैं। तो सेकेंड खास बात ये है कि यहाँ पर मस्जिदें बड़ी मशहूर हैं। इस पूरे सिटी में सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं पूरे पाकिस्तान में, और यहाँ पर सबसे बड़ी मस्जिद है और सबसे ज़्यादा मस्जिदें भी। इस जगह का नाम है गुलबर्ग। तो यहाँ पर भी एक ख़ास बात है कि यहाँ पर भी हाइड्रल प्रोजेक्ट लगा हुआ है, और जिस उस हाइड्रल प्रोजेक्ट से 3 झीलें आती हैं, और उन झीलों का भी मैं आपको नाम बताऊँगा, उनका विजिट करवाऊँगा आपको, साथ में मस्जिद को विजिट करवाऊँगा एक इस वीडियो में। तो इंशाल्लाह मैं आपको सारी जगह बताऊँगा। सो आई होप दैट दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। नाउ आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।